आज हम बनाएंगे पनीर मंचूरियन। पनीर मंचूरियन बनाने के लिए हमें दो चीज़ का प्रिपरेशन करना ज़रूरी होता है। सबसे पहले होती है पनीर की जो मंचूरियन बॉल्स बनती है वो, और दूसरा होती है ग्रेवी। सबसे पहले हम उसकी बॉल्स को रेडी करेंगे पनीर की, मंचूरियन बॉल्स की। मैंने क्या किया, एक पनीर लिया 200 ग्राम, उसको अच्छे से ग्रेट कर लिया गया कसमी। उसके बाद मैंने क्या किया, दो छोटे प्याज और दो हरी मिर्च लेके काट लिया छोटे छोटे, और जो पनीर घिस के रखा था ना उसमें इस तरह से डाल दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, इसमें डाला है थोड़ा सा, ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा नमक। उसके बाद मैंने इसमें मैदा और कॉर्नफ्लोर डाला है। मैंने 2 चम्मच मैदा का यूज़ किया जो नॉर्मल चम्मच होती है, और 1 नॉर्मल चम्मच से मैंने कॉर्नफ्लोर यूज़ किया है, ठीक है। इन दोनों को डालने के बाद मैंने इसके एक ढक्कन, मैंने सोया सॉस डाल लिया है देखिए, और अच्छे से डो रेडी कर लिया मैंने। उसके बाद मैंने क्या किया, इसका बॉल रेडी किया है। बॉल रेडी करने से पहले मैंने एक पैन में ऑयल गरम करने के लिए गैस पर रख दिया। तब तक मैं तेल गरम हो रहा तब तक मैंने सारी बॉल्स रेडी कर ली, और उसके बाद फटाफट मैंने सारी बॉल्स को, मैं जो तेल गरम हो रहा था ना उसमें अच्छे से डाल दिया है, और अच्छे से डालने के बाद मैंने इसको डीप फ्राई किया है। फ्रेंड्स, इस बॉल्स को बनाने में जो मैदा यूज़ किया है वो इसलिए यूज़ किया है ताकि हमारे जो मंचूरियन बॉल्स अंदर सॉफ्ट रहें, ठीक है। और कॉर्नफ्लोर इसलिए यूज़ किया है ताकि वो अंदर से एक तो लचीलापन लाए, सॉफ्टनेस लाए, दूसरा बाहर से वो क्रिस्पी बनाए बॉल्स को। फ्रेंड्स, हम बॉल्स को चारों तरफ से अच्छे सेक लेंगे अलट पलट के, ताकि हमारे बॉल्स के अंदर में जो मैदा और जो मसाला यूज़ किया है वो अच्छे से पक जाए, और बॉल्स भी हमारे गोल्डन ब्राउन हो जाएँ। ये देखिए इस तरीके से इसको हम 1 मिनट और पकाएंगे। उसके बाद हमने इसको निकाल लिया। टोटल में बॉल्स को 3-4 मिनट तक पकाना है मीडियम फ्लेम पे। उसके बाद मैंने ग्रेवी की प्रिपरेशन की है। ग्रेवी की प्रिपरेशन करने के लिए मैंने प्याज काट लिए छोटे छोटे, शिमला मिर्च और हरी मिर्च काट लिया, और गार्लिक काट ली है, ठीक है। आप चाहे तो बीन्स भी यूज़ कर सकते हैं, गाजर भी यूज़ कर सकते हैं। अभी बस अवेलेबल नहीं था, और यार घर की मंचूरियन तो ऐसी बनेगी ना जो अवेलेबल होगा उससे बनाएंगे हम। मैंने ये कि एक पैन में सबसे पहले मैंने हरी मिर्च डाल दिया, और गार्लिक जो काट करके थी वो डाल दी, फिर शिमला मिर्च डाल दी, और उसको फ्राई करने के बाद फिर मैंने प्याज डाल दिया कटा हुआ। उसके बाद मैंने मसाले यूज़ किए हैं। मसाले मैंने काली मिर्च पाउडर यूज़ किया है, और थोड़ा सा जीरा पाउडर यूज़ किया है, 1 चम्मच सोया सॉस यूज़ किया है, और 2 चम्मच मैंने ग्रीन चिल्ली सॉस यूज़ किया है। बस इसको क्या करना है, इन सबको एक साथ पकाना है। फ्रेंड्स, वेजेस डालने के बाद 1 मिनट पकाने के बाद जब सॉस डालें, उसके बाद सॉस जब डाल दोगे आप तब अच्छे से इसको पकाना है 1 मिनट और। उसके बाद जो बॉल्स रेडी करके रखी है ना, उस बॉल्स को हम इसमें डालेंगे ताकि बॉल्स पर कोटिंग हो जाए। फ्रेंड्स, अब अगर आपको ड्राई मंचूरियन खाना है ना, तो सिर्फ इसमें 1/2 कप पानी डालना है, और आपको ग्रेवी वाला खाना है तो इसमें आप 1.5 कप पानी डालेंगे लगभग। मुझे ग्रेवी वाला खाना था तो मैंने क्या किया, 1.5 कप पानी डाला, और उसमें मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर का पेस्ट ऐड किया है, और पेस्ट ऐड करने के बाद 2-3 मिनट तक पकाया है। ये देखिए पानी डाल दिया मैंने, अब मैं इसका पेस्ट बनाऊंगी कॉर्नफ्लोर का इस तरह से, और मैंने डाल दिया उस पानी में ऐड कर दिया, ठीक है, जब हमने मंचूरियन डाला है, और इस तरह से 2-3 मिनट पकाया है। 2-3 मिनट पकने के बाद मैं मंचूरियन बिल्कुल रेडी है, इसको आप सर्व कर सकते हैं। उससे पहले आप अगर हरा धनिया से गार्निश कर ले तो उसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। मैंने क्या किया, थोड़ा सा हरा धनिया लिया था छोटे छोटे, उसको काट लिया, और एक बाउल में मंचूरियन निकाल के ऊपर से हरा धनिया से गार्निश कर दिए। हमारा यमी पनीर मंचूरियन बिल्कुल रेडी है। फ्रेंड्स, आप भी ट्राई करें।